नमस्कार, मैं हूं लोकेश। 10 बज चुके हैं, मैं लेकर हाजिर हूं खुल गया दफ्तर। आज बात करेंगे लाडवा के बाबैन उप तहसील के कार्यालय में बाबू दफ्तर से नदारत रहते हैं, उनकी खोज खबर लेंगे। नायब तहसीलदार तो कभी आते हैं तो कभी आते ही नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने काम करवाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काम करवाने के लिए रिश्वत देने की भी शिकायत सामने आ रही है। यह लाडवा के बाबैन उप तहसील का कार्यालय। खबरें अभी तक की टीम ने जब यहां का औचक निरीक्षण किया तब सन्नाटा पाया। दफ्तर खुलने का समय 9 बजे का है, मगर 11 बजे तक नायब तहसीलदार दफ्तर नहीं पहुंचे। यहां पर जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियां होती हैं, मगर बाबुओं की गैर मौजूदगी के चलते लोगों का काम रुकता है। साथ ही लोग कर्मचारियों पर रिश्वत लेकर काम करने का आरोप भी लगाते हैं। 11 बज गए जी, अभी तक ऑफिस में कोई नहीं मिला ना जी। तो नायब साहब हैं ऑफिस में अपने? नहीं। क्या टाइम हुआ आपकी घड़ी में? 11 बजे। अभी तहसीलदार आएगा तभी तो मिलेगा। क्या टाइम हुआ अभी आपके पास? मेरे पास तो 11 बजे करीब। कर्मचारी बताते हैं कि नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, जिसके चलते वे दफ्तर के बाहर ही रहते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि उनका घर दफ्तर से काफी दूर है, इसलिए वे दफ्तर लेट पहुंचते हैं। अब ये बहानेबाजी है या हकीकत, ये तो तहसीलदार के साथी कर्मचारी ही जाने। नायब साहब आ गए अपने कार्यालय में? सामने बिल्डिंग में होंगे। हाँ जी, सामने बिल्डिंग में होंगे। आपके कार्यालय में नहीं है? यहाँ पे यहाँ पे नहीं। क्या टाइम हुआ आपकी घड़ी में? 11:17। तो रोज ऐसे ही आते हो? नहीं, कभी कभी या शायद कोई मीटिंग वगैरह ग्रेटर से बात करनी पड़ेगी, शायद कोई मीटिंग ना हो। गौरतलब है कि इससे पहले भी 18 जुलाई को इस दफ्तर का औचक निरीक्षण किया गया था, उस समय भी यही हाल था। ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि अब हालात सुधरेंगे? आयुष गुप्ता, लाडवा, खबरें अभी तक। लाडवा से हमारे साथ जुड़ रहे आयुष गुप्ता, वहां से संवाददाता हमारे। आयुष, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी कोई ऐसी खबर आपके सामने आए कि किसी भी जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी घूस के हुई हो? जी नहीं लोकेश, ऐसा कोई मामला अभी तक लाडवा तो छोड़ो, आसपास के दूसरे क्षेत्रों में भी किसी के सामने नहीं आया कि कोई भी जमीन की खरीद फरोख्त या कोई रजिस्ट्री सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत दिए हुई है जी। ये एक सिस्टम बना हुआ है जिसे चेन बोलते हैं, कि तहसीलदार से लेके नायब वो रीडर तक और जो टाइपिस्ट है टाइपिस्ट तक, ये जो चेन बनी हुई है उसमें 100 से लेके और कई हजारों तक का ये रिश्वत का खेल चलता रहता है। हालांकि दूसरी तरफ ये मतलब एक लिस्ट भी बनाई गई है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जी, उनकी तरफ से एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि कस्टमर को दी जाती है बकायदा जी, जो उसके हिसाब से आरसी के नाम के, तहसीलदार के नाम के, टाइपिस्ट के नाम के, मतलब ऐसे ऐसे करके कई अधिकारियों के कर्मचारियों के नाम से रिश्वत बटोरी जाती है, जो कि एक खरीदार के लिए बहुत बड़ी मजबूरी होती है जिसके लिए कि उसको देनी पड़ती है। बाकायदे यानी एक लिस्ट तैयार बनी रखी है कि कब कहाँ कितना पैसा देना है, एक ही बार में आप दे दीजिए, उस झंझट से फुर्सत पाइए, यही कहना है ना आपका? जी जी जी। तो जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है उस पर एक और आपने अपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहाँ पर ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी नदारद भी रहते हैं जी। लोकेश, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, 11:20 का मोबाइल में हमने अपने टाइम दिखाया है और तहसील खुलने का टाइम जो है वो 9 बजे का है जी, बावजूद इसके अधिकारी जो है अपने कार्यालय पर नहीं दिखाई देते। कहाँ थे अधिकारी कर्मचारी? ये बाबैन लाडवा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उसकी उप तहसील है ये जी, यहाँ पर मतलब नायब तहसीलदार को तैनात किया गया है। और अगर सरकारी आदेशों की माने तो नायब तहसीलदार एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किया जाता है
जी, जो कि अपने कार्यालय को और अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते जी। और जो यहाँ पर जनाब तैनात है वो करनाल में रहते हैं, जो कि बाबैन से करीब 60 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। धन्यवाद आयुष इन तमाम जानकारियों के लिए। आयुष बता रहे थे कि बिना घूस के काम नहीं चलता है, इनके नॉलेज में अभी तक इस तरह की कभी कोई ऐसी रजिस्ट्री नहीं आई है जिसमें बिना घूस के चलता हो, जिसे चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता के एक आदमी ने कहा था कि ये घूस नहीं, ये कमीशन मान के चलिए, ये कमीशन है, घूस नहीं है। तो बात करेंगे एक और बड़ी खबर की।